हाँ दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं अपने YouTube चैनल मधुस आर्ट पर। जैसे कि आई लव टू डू पेंटिंग्स और पोर्ट्रेट आर्ट, सो मैंने सोचा कि क्यों ना खुद की एक YouTube चैनल खोल लूँ, ताकि मैं जो भी अपने फ्यूचर में जो भी आर्ट वर्क करूँ तो वो अच्छा लगे और मैं उसको YouTube पर शेयर कर सकती हूँ, मेरे सारे दोस्तों के साथ शेयर कर सकती हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक YouTube चैनल खोल लूँ और इससे जो भी बच्चे हैं या फिर जो भी आर्ट को पसंद करती है उनको थोड़ी सी टिप्स और ट्रिक्स, जो बेसिक टिप्स और ट्रिक्स होती है पेंटिंग की, वो मैं बता सकती हूँ और उनको कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैंने आज पहली बार यूट्यूब चैनल में पहली बार एक पोर्ट्रेट आर्ट वर्क पोस्ट कर रही हूँ, जो आप सभी को शायद अच्छा लगेगा। तो अगर ये पोर्ट्रेट आर्ट आप सबको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना कि ये कैसा बना है। सो मैं आज हमारे उत्कलमणि गोपबंधु दास जी की ये पोर्ट्रेट बनाई हूँ, वो भी माचिस की तिल से। सो देखते रहिए इसके मेकिंग प्रोसेस कैसा बना है। सो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो मैं यहाँ पहले पेंसिल से एक स्केच बना रही हूँ, स्केच मतलब एक आउटलाइन बना रही हूँ गोपबंधु जी की। उसके बाद उसको फिल करूँगी माचिस की तिल से, उसको फिल करूँगी। तो देखते रहिए। Oh, 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 oh
शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना कि मेरी ये काम आप सबको कैसा लगा, मेरी आर्टवर्क आप सबको कैसा लगा। सो आज का वीडियो बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।